श्रम कल्याण की उपमहानिदेशक पहुंची हजारीबाग। हजारीबाग की बेटी संध्या नंदी इन दिनों देश के असंगठित मजदूरों के उत्थान और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। भारत सरकार के श्रम कल्याण के उप महानिदेशक के पद पर सेवा देने वाली यह झारखंड की पहली महिला है और पूरे देश की दूसरी। हजारीबाग के संत किरण हाई स्कूल से प्रारंभिक और संत कोलंबा कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रांची के एक्साइज से MBA किया। इसके बाद UPSC जैसे कठिनतम परीक्षा पास कर देश की सेवा दे रही है। हजारीबाग आने पर उन्होंने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों से अपील की कि वो अपना रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल में अवश्य कराएं। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो उन्हें कई तरह के लाभ मिल सकेंगे। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। राज अलग करने के आंदोलन में दिल्ली गए तो उसके बाद वो बार बार जाते रहे। बाद में मेरे पिताजी ने राज अलग करने के आंदोलन में दिल्ली गए तो उसके बाद वो बार बार जाते रहे। बाद में इसके लिए अलग अलग करेगा, एजुकेशन के लिए अलग, हाउसिंग के लिए अलग और सामाजिक सुरक्षा में कैसे। ये तो मैडम सरकार की योजना होगी। आप हजारीबाग से या आपने काम के दौरान यहाँ के लोगों को क्या आपने सहायता प्रदान किया है, आगामी आप कैसे हमारी सहायता आप कर सकते हैं?